के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत नए एवं छूटे हुए कृषक 2 दिन और 1 व 2 जुलाई को भी करा सकेंगे सत्यापन एवं पंजीकरण, जिलाधिकारी ने दी जानकारी। ट्रैफिक नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता ने रविवार की रात में सड़क पर लोगों से कहा, करें ट्रैफिक नियमों का पालन जिससे सलामत रहे जिंदगी। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 17 जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव का सपा ने भी दबे मन से किया स्वागत। गोरखपुर जोन की 68वीं अंतर जनपदीय पुलिस फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मैच में गोरखपुर की टीम ने संत कबीर नगर को 2-1 से दी शिकस्त, किया चल वैजयंती खिताब पर कब्जा। एडीजी ने कहा, लगन और लगातार प्रैक्टिस से मिलती है सफलता। लंदन में वर्ल्ड कंसल्टेंसी एंड रिसर्च सेंटर द्वारा सम्मानित गोरखपुर के सर्राफा व्यवसायी भाइयों का हुआ स्वागत अभिनंदन, कहा ईमानदारी लगन और मेहनत ने दिया पुरस्कार, ग्राहकों को आभार। एबीवीपी गोरक्ष प्रांत के सेल्फी विद कैंपस यूनिट अभियान के कार्यशाला का हुआ आयोजन, कॉलेजों में इकाई गठित कर शिक्षा अभियान के सेल्फी लेने पर दिया गया जोर। जिला महिला चिकित्सालय परिसर में बने कर्मचारियों के आवास में 8 दिनों से पानी नहीं आने से अस्पताल कर्मी हुए बेहाल, किया विरोध प्रदर्शन। तहरीक दावत इस्लामी हिंद की ओर से हज ट्रेनिंग का हुआ आयोजन, ट्रेनर हाजी आजम अत्तारी ने बताया हज के अरकान व बारीकियां। और गोरखपुर की कंचन सोनी ने जीता दुबई में रॉयल मिसेज इंटरनेशनल दीवा क्वीन एंड एनडी रॉयल मिसेज इंटरनेशनल दुबई प्रतियोगिता का खिताब।